हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री के चैप्टर 9, जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति, इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? थॉमस न्यूकोमैन, जेम्स वॉट, स्टीफेंसन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस न्यूकोमैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, बेल्जियम में। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 4, सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? स्टीफेंसन, मैग्डम, मैटले, विंटले। राइट आंसर ऑप्शन बी, मैकडम। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया? 1460 ईस्वी में, 1472 में, 1450 में, या फिर 1470 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1450 में। क्वेश्चन नंबर 6, छापा खाना का आविष्कारक कौन था? पिजारो, कार्टेज, गुटेनबर्ग, कैप्टन कुक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था? 1876 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी, 1875 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा? द सिटी ऑफ गॉड, गीता, महाभारत, बाइबल। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाइबल। क्वेश्चन नंबर 9, लिवरपूल स्थित है स्पेन में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, लंका शायर कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, श्रीलंका में, जापान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, 21वीं सदी में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 18वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 12, बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में, अमेरिका में, स्पेन में, इंग्लैंड में। राइट आंसर ऑप्शन ए, चीन में। क्वेश्चन नंबर 13, जर्मनी में औद्योगीकरण का दशक कहा जाता है? 1870 से 1880 में, 1860 से 1870, 1850 से 1860 ईस्वी में, 1840 से 1850 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1850 से 1860 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, एडवर्ड कार्टराइट ने वाष्प चलित पावर लूम बनाया 1785 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1785 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में, बेल्जियम में। ऑप्शन सी, इंग्लैंड में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई 1875 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1830 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, 1807 ईस्वी में किस अमेरिकी ने प्रथम भाप चलित नौका क्ले मार्च का आविष्कार किया? ब्रिंटले, स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वॉट। राइट आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट फुल्टन। क्वेश्चन नंबर 18, 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कपड़ों की बुनाई में तेजी आई, इसका आविष्कार किसने किया? क्रॉम्पटन, जॉन के, हरग्रिव्स,
इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी जॉन के। क्वेश्चन नंबर 19, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? जेम्स वॉट, हेनरी कॉर्ट, अब्राहम डर्बी, जॉन विकलिंसन। राइट आंसर ऑप्शन सी अब्राहम डर्बी। क्वेश्चन नंबर 20, सैमुअल मॉर्स ने तार यंत्र का आविष्कार किया 1844 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1846 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1844। क्वेश्चन नंबर 21, रिचर्ड रॉबर्टसन ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया 1825 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1825 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, जेथ्रो टूल ने बीज बोने के लिए ड्रिल यंत्र का आविष्कार कब किया? 1701 में, 1705 में, 1700 में, 1703 में। सही आंसर है ऑप्शन ए 1701 में। क्वेश्चन नंबर 23, एल वीटनी के कपास से बिनौला निकालने की मशीन कॉटन जिंग ने बनाई 1794 में, 1790 में, 1793 में, 1795 में। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1793 में। क्वेश्चन नंबर 24, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? क्रैम्पटन, हरग्रीव्स, जॉन के, रिचर्ड आर्क। राइट आंसर ऑप्शन बी हरग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 25, औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोपवासी उपनिवेशों की स्थापना में जुट गए। निर्मित माल की खपत हेतु, ईसाई धर्म के प्रचार हेतु, कच्चे माल की प्राप्ति हेतु, उपर्युक्त सभी कारणों से। राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारणों से।